आतिशी तो दिल्ली का नया सीएम चुने जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व वाली सरकार के नए मंत्रिमंडल में सभी मौजूदा मंत्री बरकरार रह सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जाएगा, जबकि करोल बाग के विधायक विशेष रवि या कुंडली विधायक कुलदीप कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जरनैल सिंह, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती और संजीव झा के नाम भी मंत्रियों के रेस में चल रहे हैं। 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास भी छोड़ेंगे। आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुने जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व वाली सरकार के नए मंत्रिमंडल में सभी मौजूदा मंत्री बरकरार रह सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जाएगा, जबकि करोल बाग के विधायक विशेष रवि या कुंडली विधायक कुलदीप कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जरनैल सिंह, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती और संजीव झा के नाम भी मंत्रियों के रेस में चल रहे हैं। 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास भी छोड़ेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.